तुम रुका जी से कहा, सुनो तुम रुका, कली काल में कल युग में जो शंकर भगवान की मेरे द्वारा प्रकट करी हुई ये शिव महापुराण की कथा, ये केवल पुराण नहीं है। शिव जी कहते हैं ये मेरा एक अंश स्वरूप है। जितने दिन तक शिव पुराण की पोथी जहां रखी होती है उसका वाचन होता है, उतने दिन तक मैं 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश छोड़कर उस पुराण के सामने विराजमान रहता हूं, उस पुराण के सम्मुख में विराजमान रहता हूं। इसलिए इस व्यासपीठ का एक नियम आपको हम पहले भी बताए हैं, आरती करते समय या कथा चलते समय हम सामने से किसी को नहीं निकलने देते, क्योंकि मेरा देव अधिदेव महादेव 7 दिन जब कथा चलती है उस समय पर मेरा बाबा वो 3 घंटा उसके सामने विराजमान होकर कथा का रसत्व ग्रहण करता है।